Okay, very good evening everyone. Myself Kim sir. Today I am going to discuss the topic packaging of DNA. तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में आप लोग क्या क्या जानते हैं, कोई बता सकते हैं? बेटा प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब जो होते हैं बैक्टीरिया का कैसेस में देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक सेल कहाँ पे देखने को मिलता है? किंगडम मोनेरा, जो कि बैक्टीरिया की कैसेस में देखने को मिलती है किंगडम मोनेरा में। आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ किंगडम मोनेरा, आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, सायनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म एक्सेट्रा। इट मींस प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल मैंने आपको बैक्टीरिया दिया। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैन बी एब्सेंट। सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट किनका केसेस में होता है बेटा? बैक्टीरिया के केसेस। किनके केसेस में होते रे? बैक्टीरिया की केसेस। तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया को आप देख सकते हैं जिनका केसेस में ये वाला पिक्चर देख। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया? में क्या क्या होते बेटा? बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बना हुआ होता है रे? पेप्टिडोग्लाइकन। किससे? पेप्टिडोग्लाइकन। ये इसका कैप्सूल है, ये जो काटा 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 निकला है पाइलस, और इसकी रिगिड सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर डीएनए है, और ये बैक्टीरिया की सेल के भीतर साइटोप्लाज्म, ये राइबोसोम और ये फ्लाजेलम, ये वाला फ्लाजेलम, इतने कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखेंगे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं बैक्टीरिया के केसेस में आपको देखने को मिलते हैं किंगडम मोनेरा। सो किंगडम मोनेरा, सो इकोली क्या है? एक बैक्टीरिया है। द डीएनए इज नॉट स्कैटर थ्रू आउट द सेल, मतलब प्रोकैरियोट्स के केसेस में देखेगा तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो यहाँ पे जो डीएनए है थ्रू आउट द सेल चारों तरफ स्कैटर होके नहीं प्रेजेंट होता। हमेशा हम लोग डिस्कस किए हैं बेटा क्या होते हैं, अरे डीएनए क्या हो? कौन सी चार्ज होते हैं बेटा? डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। लेकिन बेटा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोइड, लेकिन प्रोटीन जो होते हैं कौन सी चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं प्रोटीन। रिमेम्बर, प्रोटीन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और डीएनए जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे हमने दो टाइप का डीएनए देखते हैं, एक लीनियर डीएनए देखते हैं और एक सर्कुलर डीएनए देखते हैं। तो लीनियर डीएनए क्या होता है बेटा? लीनियर डीएनए क्या होता है? लीनियर डीएनए जो ऐसे होगा, दिस इज लीनियर डीएनए। सर्कुलर डीएनए, आई गिव यू एग्जांपल प्लास्मिड, क्या है? प्लास्मिड इज ए सर्कुलर डीएनए कह सकते हो, बिकॉज बेटा इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। प्लास्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कभी कभी मेडिकल में सवाल यहां से आ सकते हैं, प्लास्मिड क्या होता है? प्लास्मिड इज ए डॉक्टर, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ऑल ऑफ यू क्लियर? ओके, वेरी गुड। क्या खबर है? तुम कोमा में चले गए? हम ढूंढते रहेंगे, आप कहाँ बंद करके रह गए हम पता नहीं कर रहे। ले लेते हैं क्लास।
तो प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, तो आगे देखते हैं, चलो लेकिन इनके सब पीक्वायर से देखेंगे बेटा। पांच किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, आप सभी को पता है क्या क्या होता है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, एनिमलियम। तो बेटा एक्सेप्ट मोनेरा ऑल द किंगडम्स आर इक्वायर्स, क्या होते हैं, एक्सेप्ट मोनेरा इक्वायरेट्स होते हैं, इक्वायरेटिक सेल टाइप का होते हैं। सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होता है जहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्शन। लेकिन इनके सब किंगडम प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया, प्लांटिया, यहाँ पे क्या होते हैं, सेल के भीतर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, इट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रेजेंट हियर। सो इन यूकैरियोट्स का केसेस में देखेंगे there is a set of positively charged basic protein called histone, वहां पे क्या होते हैं, histone protein होते हैं, क्या होते हैं, histone protein होते हैं जो कि हमेशा positive charge होते हैं। और ये histone protein बेटा एक octamer form करता है जिसमें 8 sub unit of protein मिलकर बना हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। और दिस हिस्टोन्स आर द रिच इन पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड दैट इज लाइसिन और आर्जिनाइन होते हैं, क्या होते हैं, लाइसिन और आर्जिनाइन होते हैं अमीनो एसिड जो होता है, और एक हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है जिसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। ये वाला डायग्राम पारगो को ये डायग्राम के देखो, गुटे दुटा तीनटा चारटा पांचटा छोटा सातटा आठटा, हालांकि नहीं, ये गोल गोल टा, ये गोल गोल टा कौन है, हिस्टोन है। आओ ये कॉइल लेके स्ट्रक्चर टा देन हिचे टा, इटा कौन है, डीएनए है, कौन है, डीएनए। तो द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डीएनए इच वार्प अराउंड द पॉजिटिवली हिस्टोन ऑक्टामर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब मेडिकल में सवाल पूछेगा, अरे न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम बेटा वो होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये गोला वाला क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हिस्टोन है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हिस्टोन में अगर डीएनए ऐसे सांप की तरफ अगर वार्प किया हुआ है, चारों तरफ पैसे लगा हुआ है, तो ए वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम कहेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। तो क्या है, गोटे फुटबॉल टच है, फुटबॉल टा होचे प्रोटीन हिस्टोन, आ फुटबॉल रो चारियाडे सांप के घूरे हिचे, सांप टा होचे डीएनए, ते स्ट्रक्चर के न्यूक्लियोसोम कैसो। तो काना लेखमा द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डीएनए इज वार्प अराउंड द positively histone octamer is called nucleosome, क्या कहेंगे, nucleosome, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं nucleosome, क्लियर, यस सर। अरे संजय की संजय सर, यस संजय सर। अब बेटा मेडिकल में सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं वहां पे कि एक टाइपिकल न्यूक्लियोसोम जो होता है इसमें कितने नंबर ऑफ बेस पेयर होगा। आप न्यूक्लियोसोम पता हो गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डीएनए इज वार्प अराउंड द पॉजिटिवली हिस्टोन ऑक्टामर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होगा, 200 बेस पेयर डीएनए, कितना बेस पेयर, 200 बेस पेयर, क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट।
आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन, ह्यूमन में कितना न्यूक्लियोसोम होते हैं बेटा, 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर अपॉन अपॉन 200, तो कितना हो जाएगा 3.3 × 10⁷ न्यूक्लियोसोम होते हैं ह्यूमन में, याद रखिए। ये हिस्टोन ऑक्टामर का साइड व्यू दिखाया है ये स्ट्रक्चर में, और ये टॉप व्यू दिखाया है उसका अपर का व्यू, और ये प्रॉपरली न्यूक्लियोसोम को दिखाया है, इसमें 8 न्यूक्लियोसोम हिस्टोन है और ये डीएनए है, आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियोसोम। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होते हैं। दिस न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म द क्रोमाटिन, आप उसमें क्रोमाटिन आपको देखने को मिलेंगे। रिमेम्बर इट, न्यूक्लियोसोम को जब आप अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको वहां पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, क्या है बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ये वाला देख रहे हो ये डायग्राम बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ये सब देख रहे, ठीक है। सो एक क्रोमाटिन जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अरे न्यूक्लियोसोम को तुम्हें जितने बेला अंडर था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखो सेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिसिबो, से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कौन कहा जाए बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहा जाए, बुझिला कि नहीं, ताकू हमें स्टेन करके देखी परिबा, तापरे ए न्यूक्लियोसोम इन क्रोमाटिन कॉल्ड बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर उसको कहते हैं। जो न्यूक्लियोसोम में जो क्रोमाटिन होता है वो कौन सी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, कौन सी स्ट्रक्चर बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म, याद रखे। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमाटिन पैकेज कैसे होता है, उसमें जो क्रोमाटिन फाइबर होते हैं वो कैसे पैकेज होते हैं, तो क्रोमाटिन कैसे पैकेज होता है देखो, क्रोमाटिन फाइबर सारे क्या होंगे कॉइल होगा और कंडेंस होगा, और मेटास्टेसिस फेज में जैसे इक्वेटर में आता है ऐसे आएगा, ऐसे एक ही प्लेन में सारा आ जाएगा, ये डायग्राम में देख रहे हो कैसे पैक होता है, ठीक है। इसके बाद ये सारा क्रोमोजोम में एक्सटेंड हो जाएगा, फिर कंडेंस होने के बाद ऐसे आपको देखने को ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा क्रोमोजोम का, ये काइनेटिक कोर होता है, ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट को सेंट्रोमियर को काइनेटिक कोर कहते हैं, ये अपर आर्म लोअर आर्म होता है। सो हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग ऑफ क्रोमाटिन रिक्वायर द नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन, तो बेटा हायर लेवल में अगर पैकेजिंग करिएगा डीएनए की तो वहां पे जो क्रोमाटिन आपको जरूरत होगा वो नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन कहते हैं, और वो नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होते हैं, कितने प्रकार का होते हैं रे, दो प्रकार का होते हैं, एक आपका हो गया यू क्रोमाटिन, अदर आपको हो गया हेट्रोक्रोमाटिन। तो यू क्रोमाटिन जो होता है बेटा, ये यहाँ पे मेडिकल में सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो यू क्रोमाटिन होते हैं ये लूजली पैक होते हैं, क्या होते हैं लूजली पैक, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ द क्रोमाटिन इट्स टेन लाइक। तो यू क्रोमाटिन जो होता है बेटा ये क्या होता है, यू क्रोमाटिन का डायग्राम दे सकते हो, ये आपस में देखो यहाँ पे गैप है कि नहीं, गैप है कि नहीं, एक गैप है, एक गैप है, एक लूजली, एक एक क्रोमाटिन दूसरे क्रोमाटिन से लूजली अरेंज होता है, पैक होता है, और ये लाइट कलर को स्टेन करता है, इसीलिए आज ए कंपेयर टू हेट्रोक्रोमाटिन द यू क्रोमाटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव देन हेट्रोक्रोमाटिन। तो यू क्रोमाटिन जो होता है बेटा वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है,
हेटरोक्रोमाटिन से, और हेटरोक्रोमाटिन जो होता है वो डेंसली पैक्ड होता है और क्या होता है डार्क कलर को स्टेन करता है, और ये जो होता है आपको नॉट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो आपको मेडिकल में सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं कौन सा क्रोमाटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, तो यू क्रोमाटिन लिखेगा। कौन सा क्रोमाटिन लाइट कलर को स्टेन करता है, यू क्रोमाटिन, और कौन सा क्रोमाटिन डार्क कलर को स्टेन करता है, तो वहां पे लिखिएगा हेटरोक्रोमाटिन। ये हेटरोक्रोमाटिन का डायग्राम देख सकते हो कैसे एक दूसरे कैसे टाइटली पैक हुए हैं। क्लियर? तो ये क्या है, ये वाला देखो, ये डायग्राम, ये सेंट्रोमियर है जिसको काइनेटिक कोर कहते हैं, और ये जो लाइट स्टेन वाला है इसको अपन क्या कहेंगे, यू क्रोमाटिन कहेंगे, और ये जो डार्क स्टेन वाला है इसको अपन क्या कहेंगे, हेटरोक्रोमाटिन कहेंगे। क्या कहेंगे, हेटरोक्रोमाटिन। ये और इसको टोटल को क्या कहेंगे, क्रोमोजोम। खत्म। आप दूसरा वाला आपको दिखाना पड़ेगा। इंसर्ट ट्राई को नहीं हो रहा है यार। अब हम लोग पढ़ेंगे द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, अभी देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ का पढ़ेंगे, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो है हु इज द फादर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ द एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कौन सी ईयर में इन्होंने क्या बेटा, 1928 में इन्होंने कहा, जिन्होंने माइस को यूज किया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को यूज किया, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियम। सो स्टेप्टोकोकस निमोनिया जो स्ट्रेन लिया बैक्टीरिया, जो स्टेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया के माध्यम से निमोनिया डिजीज होता है। स्टेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर हाईली रेस्पॉन्सिबल टू कॉज द निमोनिया।
तो इन्होंने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया और उसी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने माइस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के मदद से 4 एक्सपेरिमेंट किया था। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो 2 बैक्टीरियल स्ट्रेन इन्होंने लिया, पहले वाले स्ट्रेन देख सकते हैं स्मूथ स्ट्रेन लिया जिसको आपने एस स्ट्रेन कहते हैं और वायरुलेंट स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरुलेंट कहते हैं। और ये स्मूथ और वायरुलेंट स्ट्रेन में क्या होता है? पॉलीसैकेराइड कोट होता है, पॉलीसैकेराइड म्यूकस होता है जो कि कॉज करता है निमोनिया, ठीक है ना बेटा। लेकिन दूसरा स्ट्रेन जो इन्होंने डिस्कवर किया वो था क्या? रॉ स्ट्रेन था, जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था। और नॉन वायरुलेंट मींस नो म्यूकस कोटेड एपिथेलियम, सो डू नॉट कॉज द निमोनिया, ये निमोनिया को नहीं पैदा करता था क्योंकि एब्सेंस ऑफ म्यूकस कोट था। लेकिन स्मूथ स्ट्रेन जो वायरुलेंट था उसमें पॉलीसैकेराइड कोट थे। तो आप इन्होंने क्या क्या बेटा देख सकते हैं यहाँ पे, ये डायग्राम पे देखो, यहाँ पे म्यूकस कोटेड वाला ए स्ट्रेन है, ये वाला म्यूकस कोटेड वाला, और दूसरे वाला जो है आर स्ट्रेन है जो कि रॉ स्ट्रेन है जहाँ पे म्यूकस कोटेड नहीं है। ये साइंटिस्ट थे उनका, ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का। अब देखेंगे उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट किया क्या। तो बेटा ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, पहले एक्सपेरिमेंट में लिविंग एक स्ट्रेन को लिया। देखो यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट दिख रहा है सभी को? हेलो, हाँ सर, आप स्वीट बोलाएगा मोर बुआ माने स्वीट सर, वीडियो गुटा हले ऑन करतो जे देखतो मते भी झुमरा लागि जउ छे तुमके देखी करी अंधार दुनिया की। तो लिविंग ए स्ट्रेन रे कणा जेते बले स्मूथ स्ट्रेन ए स्ट्रेन ता कोनो पिले ए स्ट्रेन ता वायरुलेंट स्ट्रेन ता, अरे वायरुलेंट ता जति इंजेक्ट करिवो माइस मरिबो ना जीवो रे, माइस ता मरि जीवो। तो जब उन्होंने लिविंग ए स्ट्रेन माइस को इंजेक्ट किया तो माइस वहां पे क्या हो गया? मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि पॉलीसैकेराइड कोट था, वहां पे निमोनिया, चूहा को क्या हो गया रे? निमोनिया हो गई, इसीलिए चूहा मर गई। मर गई चूहा, मर गई। क्यों मर गई? चूहा को निमोनिया हो गई। अब दूसरी एक्सपेरिमेंट में देखो बेटा, दूसरी एक्सपेरिमेंट ने इन्हों कहा जब लिविंग आर स्ट्रेन, लिविंग आर स्ट्रेन मतलब क्या है? रॉ स्ट्रेन। रॉ स्ट्रेन मतलब क्या है? नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। जब नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन को आप माइस के अंदर इंजेक्ट कीजिएगा तो चूहा नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चूहा को निमोनिया नहीं होगा तो चूहा बच जाएगा, क्योंकि यहाँ नो बैक्टीरियल सेल फाउंड इन द हार्ट, इसके हार्ट में कोई बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नहीं मिलेगा। तो बिना निमोनिया के चूहे नहीं मर सकता। सभी को पता हुआ? अब थर्ड नंबर एक्सपेरिमेंट को जरा देखिए, इन्होंने क्या किया? हीट किलिंग एस्ट्रेन, जो एस्ट्रेन में माइस मर रहा था उसको किल कर दिया, और हीट किल एस्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, माइस बच गया क्योंकि ये हीट किल वाला जो स्मूथ वायरुलेंट स्ट्रेन था इसको जब हीट कर दिया गया तो यहाँ का जो बैक्टीरिया है वो मर गए, और वो बैक्टीरिया निमोनिया चूहा में नहीं हो पाया तो चूहा बच गया। तो हियर ऑल्सो नो बैक्टीरियल सेल फाउंड इन हार्ट। नेक्स्ट अगर देखिएगा तो क्या है, 4 नंबर एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक चालाकी किया, से कहा को ले हीट किल एक्स स्ट्रेन के मिक्स करी देले लाइफ आर स्ट्रेन संगे, कार संगे लाइफ आर स्ट्रेन। हीट किल एक्स स्ट्रेन रे मुसा नहीं मरबार और लाइफ स्ट्रेन रे मुसा नहीं मरबार। तो 2 नंबर एक्सपेरिमेंट और 3 नंबर एक्सपेरिमेंट के मिक्स करी देले केन 4 नंबर एक्सपेरिमेंट, और माइस के जेते बेले इंजेक्ट किए तो माइस मर गया। क्या? माइस मर गया। अब ग्रिफिथ पगला गए, यार माइस मरा कैसा? कौन सा मटेरियल है जो माइस के अंदर ट्रांसफर किया, और माइस के अंदर ट्रांसफर होने के बाद माइस को निमोनिया हुई और माइस ने जय माता दी कहा? कैसा पॉसिबल हो सकता? हाउ इट्स पॉसिबल, कैन यू इमेजिन? सो यहाँ पे उन्होंने देखो चारों एक्सपेरिमेंट को फिर से लिख दिया।
स्ट्रेन, माइस को इंजेक्ट किया, माइस मर गया। आर स्ट्रेन, माइस को इंजेक्ट किया, माइस बच गया, नॉन वायरलेंट स्ट्रेन। एस स्ट्रेन को हीट किल करके इंजेक्ट किया, माइस बच गया। एस स्ट्रेन हीट किल प्लस आर स्ट्रेन लाइव को इंजेक्ट किया, माइस मर गया। तो देखते हैं, तो वहां पे ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंटली लेकिन प्रूफ नहीं कर पाया, लोगों को नहीं बता पाया। उन्होंने कहा